आता है कि यही स्वरूप के साथ, इसी फौज के साथ जो देश की सरकार है वो चलने वाली है। तो ऐसे में कई ऐसे नए चेहरे हैं, कई युवा चेहरे हैं, और देखिए सात देशों से मेहमान आ रहा है। रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनका आगमन हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इनको भी न्योता गया है। और मालदीव से किस तरीके से रिश्ते बनते बिगड़ते और कई चर्चाएँ हुई उनके सबके बीच ये मेहमान बने हैं। तो अहमद अफीफ की बात करें, सेशल्स के राष्ट्रपति है शेख हसीना, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कल ही पहुंच गई थी भारत, और आज शपथ ग्रहण समारोह में ये शामिल होंगी। इसके साथ साथ प्रविंद कुमार जुगू नुथ, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। पुष्प कमल दहल प्रचंड, यानी कि नेपाल के अपने देश के पड़ोसी प्रधानमंत्री, इनको भी न्योता गया, ये भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। शेरिंग टोप के, जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। तो ये वो पीएम की शपथ में सात देशों से जो मेहमान हैं वो शामिल होने वाले। तो तीसरी शपथ जो है वो होनी है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के। तो 3 घंटे और 35 मिनट का जो करीब वक्त है वो बचा हुआ है, और ऐसे में देखिए बीजेपी से मंत्री, साथ ही सहयोगी दल से जो मंत्री है उसका भी जो नाम है ग्राफिक्स के जरिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी से कौन कौन से मंत्री होंगे, देखिए इतिहास रचने नरेंद्र मोदी, वो कैसे, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। 2014 में 282 सीटें आई और 2019 में भी 303 सीटें आई। 2024 की अगर बात करें तो सीटें जरूर कम हुई और बहुमत से बीजेपी दूर रही, 240 सीटें पर सिमट गई। एनडीए 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है इस बार और सरकार बनने जा रही है, और प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम रहा और इसकी बराबरी अब नरेंद्र मोदी ने किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज शाम मोदी कैबिनेट की जो शपथ है वो होगी। तो राष्ट्रपति भवन की अगर बात करें, वहां के परिसर की अगर बात करें, तो साज सज्जा के साथ ये भव्य तैयारी की गई है। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर बार बार आपके स्क्रीन पर है, संभावित मंत्रियों संग जो बैठक है, चाय पर चर्चा है, वो आज नरेंद्र मोदी ने की है। 11:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो गई, हलचले बढ़ी, सबकी नजरें निगाहें पीएम आवास पर टिकी हुई थी कि कौन कौन से जो नेता है वो पहुंचते हैं। तो नरेंद्र मोदी आज शाम को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, उससे पहले उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। देखिए टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कैबिनेट की आज शपथ होने वाली है, इसकी भव्य तैयारी जो है वो की जाएगी, और वो भी तस्वीर जब नरेंद्र मोदी के साथ बाकी जो एनडीए के घटक दल के नेता है वो मुलाकात करते हुए नजर आए। तो सतीश चंद्र दुबे एक बार फिर